इंटर्न्स और जो यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनका ये साफ तौर तरीके से कहना है कि यहाँ पर जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, जो शांतिपूर्वक वो धरने में बैठे हुए थे अपने कॉलीग के लिए, जस्टिस डिमांड कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन से आंसर्स डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पर सरकार कुछ अकाउंटेबिलिटी दिखाए, लेकिन इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश की गई। ये यहाँ के प्रोटेस्टर्स का कहना है, यहाँ के जूनियर डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका ये कहना है, आम नागरिक भी यही कह रहे हैं कि इस तरीके से इस धरने को या इस प्रोटेस्ट को खराब एक नाम, एक खराब एक तस्वीर देने की कोशिश की गई। फिर से दिखाएंगे, ये तस्वीरें हैं मेडिकल सेंटर इमरजेंसी वार्ड, इस तरीके से इस गेट को, यहाँ पर एक लोहे का गेट है, इसे गिराया गया, प्रोटेस्टर्स ने इसे गिराया है। आगे चल के दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है एडमिशन होता है, यहाँ पर एक ऑफिस भी है, एक बेड भी है, इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ये भी एक एडमिशन सेंटर है, यहाँ पर भी तोड़फोड़ किया गया है। आगे चल के आपको फिर से दोबारा दिखाएंगे कैसे ये मेल इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर मेल्स का एडमिशन होता है, ये बिस्तर है सारी एडमिशन की, बेड्स हैं जहां पर ये पेशेंट्स जो है मरीज जिन्हें इमरजेंसी केयर चाहिए वो आते हैं, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर तोड़फोड़ किया गया है। पुलिस हमसे कह रही है यहां की तस्वीरें हम इस समय ना दिखाएं, लेकिन इस तरीके से 4 से 5 हजार लोग जो कहा जा रहा है वो पूरे एरिया को उन्होंने सराउंड कर लिया। और जहां तक कि ये इमरजेंसी सेंटर की बात है, बिल्कुल भीतर हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे, यहां पर इस कबर्ड को गिरा दिया गया है, इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर कई सारे ऐसे अस्पताल के जो स्टाफ है वो रेस्ट भी करते हैं रात को। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर एक पुलिस बैरक भी है, वहां पर भी तोड़फोड़ किया गया। लेकिन उसके पहले ये देखिए, नर्स का स्टेशन है, नर्स के स्टेशन का ये हाल है इस समय, तस्वीरें हैं नर्स के स्टेशन के अंदर से, यहाँ पर मेडिसिन है जो कि पूरे तरीके से गिरा दिया गया है जमीन पर, फाइलें हैं यहाँ पर, और ये फ्रिज है जहां पर ये दवाइयां रखी जाती है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज, ये मेडिसिन को जरूरत होता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए। फ्रिज को भी इन्होंने तोड़ दिया है और पूरी चीजों को जमीन में गिरा दिया है। ये पिक्चर्स हैं, ये तस्वीरें हैं इमरजेंसी वार्ड से, ये मेल ऑब्जर्वेशन सेंटर है। सवाल ये है कि इस तरीके से कितने सारे लोग जो हैं गुंडागर्दी करने के लिए और यहां पर वैंडलिज्म करने के लिए, डॉक्टर्स कह रहे हैं ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, कोलकाता के नागरिक जो हैं, और सिर्फ कोलकाता के ही नहीं, देश के कई सारे जगहों से ऐसे नागरिक जुड़ चुके थे इस मूवमेंट में, और ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन इस तरीके से यहां पर पूरे तरीके से तोड़फोड़ कर दिया गया है, क्योंकि ये कोशिश रह रही थी शायद इन प्रोटेस्टर्स की इस मूवमेंट को एक खराब नाम दे, लेकिन इस समय पुलिस क्या कर रही थी और कैसे उनको खबर नहीं थी कि इस तरीके से गुंडागर्दी होगी और तोड़फोड़ होगा। पुलिस कर्मचारी यहां पर भी हैं, तस्वीरें अगर आप देखें तो यहां पर मैं पहले आप भी आपको दिखाना चाहूंगी, ये पुलिस बैरक है जहां पर पुलिस स्टेशन होती है इस समय, लेकिन यहां पर भी तोड़फोड़ किया गया है, जबकि पुलिस बैरक है भीतर, यहां पर पुलिस ऑफिसर्स आप देख सकते हैं, वहां पर भी तोड़फोड़ किया गया है, जहां पर यहां पर अथॉरिटीज है और ये यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, लेकिन ये पूरे जगह पे तोड़फोड़ किया गया है। अस्पताल की तस्वीरें हैं, ये देखिए यहाँ पर क्रिटिकल केयर यूनिट है, ये क्रिटिकल केयर यूनिट को भी पूरी तरीके से बर्बाद किया गया है, यहाँ पर भी तोड़फोड़ किया गया है। दिखाना चाहूंगी ये कुछ हेलमेट्स है, प्रोटेक्शन हेलमेट्स है जो पुलिस अधिकारी इस्तेमाल करते हैं इस तरह के सिचुएशन के वक्त, लेकिन ये देखिए ये पुलिस हेलमेट्स हैं, और यहाँ पर सब जगह पर ग्लास है, पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया है। ऐसा बोला जा सकता है कि सिचुएशन बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है कोलकाता पुलिस की,